आप सभी लोगों को इस पांडे का नमस्कार। चलो बच्चे स्टार्ट करते हैं हम लोग टाइम स्पेस डिस्टेंस का पार्ट थर्ड। पार्ट वन आप लोगों ने डिस्कस किया टाइम स्पेस डिस्टेंस में, पार्ट टू आप लोगों ने डिस्कस किया। पार्ट टू में भी हमने स्पीड और टाइम पर रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स का डिस्कशन करके आपको दिखाया, कुछ अच्छे क्वेश्चन की भी श्रृंखला बताई जो आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। आइए हम लोग पार्ट थ्री को स्टार्ट करते हैं। कुछ अच्छे सिक्वेंस के क्वेश्चन हैं, आप उनको थोड़ा सा समझने का एक बार कोशिश करिए और देखिए जो आपके साथ सिनेरियो बन रहा है वो कैसे बन रहा है। ठीक है, देखिए आपके पास क्वेश्चन ये कह रहा है कि बस टर्मिनल से बसें 10 मिनट के अंतराल पर चल रही हैं जिनकी चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। बसेस ट्रेवल्स फ्रॉम बस टर्मिनल बाय द स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर एंड दे मूव फ्रॉम बस टर्मिनल एट द टाइम इंटरवल ऑफ 10 मिनट। क्या कह रहा हूँ, बस टर्मिनल से 10-10 मिनट के अंतराल पर बसें चल रही हैं और उनकी चाल क्या है, 20 किलोमीटर पर आवर है। क्वेश्चन ये कहता है अ मैन इज कमिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन टुवर्ड्स बस टर्मिनल, एक व्यक्ति बस टर्मिनल की विपरीत दिशा में आ रहा है एंड ही नीड्स द बसेस एट द टाइम इंटरवल ऑफ 8 मिनट। यू विल हैव टू डिटरमिन द स्पीड ऑफ दैट पर्सन, या आपको उस वाले व्यक्ति की चाल निकालनी है। क्या कह रहा है, बसेस मीट्स फ्रॉम बस टर्मिनल एट द टाइम इंटरवल ऑफ 10 मिनट बाय द स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर। अ मैन इज कमिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन टुवर्ड्स बस टर्मिनल एंड ही नीड्स द बसेस एट द टाइम इंटरवल ऑफ 8 मिनट। यू विल हैव टू डिटरमिन द स्पीड ऑफ दैट पर्सन। क्या कहना चाह रहा हूँ, एक बस टर्मिनल है, वहाँ से 10-10 मिनट के अंतराल पर बसें निकल रही हैं। एक आदमी अपोजिट डायरेक्शन में बस टर्मिनल के आ रहा है और वो कहता है कि नहीं भैया मुझे 10 मिनट नहीं, 8-8 मिनट के अंतराल पर बसें चाहिए। और आपको ये बताना है कि वो जो 8-8 मिनट के अंतराल पर बसों को चाह रहा है उस आदमी की जो स्पीड होनी चाहिए, उस आदमी की स्पीड क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा लॉजिक क्लियर कराना चाह रहा हूँ। इस क्वेश्चन का जो एक्चुअल में लॉजिक है वो क्या है, आप समझिए। यहाँ पर मैं जैसे सपोज करिए खड़ा हूँ बस टर्मिनल, बस टर्मिनल का मतलब कुछ और नहीं है, बस टर्मिनल का मतलब बच्चों हुआ बस स्टैंड। बस स्टैंड ये है, यहाँ से हर 10-10 मिनट के अंतराल पर बसें निकल रही हैं। मतलब पहली बस निकली अगर 10 बजे तो दूसरी बस निकलेगी 10:20 मिनट पे, तीसरी वाली 10:30 मिनट पे, चौथी वाली 10:40 मिनट पे, ऐसे बसें निकलती रहेंगी। और क्वेश्चन ने कहा जितनी भी बसें निकल रही हैं उनकी जो स्पीड है वो 20 किलोमीटर पर आवर है। इसका मतलब 10 बजे से लेकर के 10:10 मिनट तक जो भी डिस्टेंस तय किया पहली वाली बस ने, उतनी ही दूरी दूसरी वाली तय करेगी, उतनी ही दूरी तीसरी वाली तय करेगी, उतनी ही दूरी चौथी वाली तय करेगी। मीन्स मैं ये कह सकता हूँ 10 मिनट में पहली वाली बस के द्वारा तय की गई दूरी या जितनी भी बसें हैं उनके द्वारा जो तय किया गया डिस्टेंस है वो क्या होगा, सेम होगा या कॉन्स्टेंट होगा। तो अब ऐसे कह सकता हूँ ये बस टर्मिनल है आपका और 10 मिनट में बसें यहाँ से लेकर के यहाँ तक पहुँच जाती हैं। ठीक है ना, वहाँ से लेकर के यहाँ तक बसें कितने मिनट में पहुँच जाती है, 10 मिनट। मीन्स अगर मैं यहाँ भी खड़ा हूँ तो मुझे बसें कितने मिनट के अंतराल पर मिलती रहेंगी, 10-10 मिनट के अंतराल पर मिलती रहेंगी। लेकिन होता क्या है, एक आदमी बस टर्मिनल के अपोजिट डायरेक्शन में चलना शुरू करता है। अब आप खुद सोचिए ना, जब वो अपोजिट डायरेक्शन में चलना शुरू करेगा तो इधर से बसें भी जा रही हैं और इधर से वो भी आ रहा है। इसका मतलब जिस दूरी को बस ने अकेले 10 मिनट में तय किया था अब उसी दूरी को तय करने में उस आदमी का सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा। और जब उस आदमी का सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा तो जाहिर सी बात है यार वो दूरी 10 मिनट नहीं बल्कि कम में तय की जाएगी। और आपके क्वेश्चन में क्राइटेरिया डाल दिया कि वो जो दूरी है ना वो तय होनी चाहिए कितने मिनट में, 8 मिनट में तय होनी चाहिए। तो आप सोचिए जिस दूरी को मैं पहले 10 मिनट में अकेले तय करता था किसकी सहायता से, बस की सहायता से, आज उसी दूरी को हमें कवर करना है आदमी का सपोर्ट मिलने के बाद कितने देर में, 8 मिनट में। तो बड़ा क्लियर सा लैंग्वेज यहाँ पर आपको समझ लेना चाहिए। यहाँ पर मैंने लिख दिया बस प्लस मैन और मैंने रेशियो लगा दिया, यहाँ पर मैंने लिख दिया बस। आप देखिए बस के द्वारा जो दूरी 10 मिनट में तय की जाती है, बस प्लस मैन के द्वारा वही दूरी कितने देर में तय की जा रही है, 8 मिनट में। इसका मतलब जिस दूरी को बस अकेली 10 मिनट में तय करती थी उसी दूरी को जब आदमी का सपोर्ट मिल गया ना तो वह दूरी आदमी की सहायता से 8 मिनट में तय किया जाने लगा। तो बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पर टाइम का रेशियो क्या बनेगा तो आप बोलेंगे इट मस्ट बी इक्वल टू 4:5। रीजन 8 and 10 बोथ आर डिविजिबल बाई 2, तो 2 चौक 8 हो गया, 2 5 10 हुआ। ठीक है, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, तो टाइम का रेशियो जो आया वो आया 4:5। अगर मैं आपसे बोलूं कि स्पीड का रेशियो क्या होगा, आप बोलेंगे स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, 5:4। इसका मतलब बस प्लस मैन की स्पीड है अगर आपकी 5:5, तो जो बस की स्पीड है वो कितनी है, 4:5 है। ठीक है ना,
बस प्लस मैन की स्पीड है अगर 5 रेशियो, तो बस की स्पीड आपकी कितनी है? 4 रेशियो। यहाँ से आप बोल सकते हैं ना कि जो मैन की स्पीड आएगी दैट मस्ट बी इक्वल टू हाउ मच, 1 रेशियो, या आदमी की स्पीड 1 रेशियो के बराबर हो जाएगी। अब बताइए, आपको बस प्लस मैन की स्पीड पता है या बस की स्पीड पता है? तो आपको बस की स्पीड पता है, और बस की स्पीड हमारे अकॉर्डिंग कितना है? 4 रेशियो, और आपके क्वेश्चन में क्या है? 20 किलोमीटर पर आवर। तो बताइए, 4 रेशियो की वैल्यू है 20 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ से ये क्लियर हो रहा है ना कि 4 को अगर 20 बनाना है तो मल्टीप्लाई बाई क्या करना होगा? 5। इसका मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि आदमी की स्पीड क्या है, तो आप बोलेंगे 1 रेशियो, और 1 रेशियो की जो वैल्यू है वो कितने के बराबर है? 5 किलोमीटर पर आवर। ये आंसर मस्ट बी इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना, समझ आ गई बात? अब बड़ा बेसिक सा बात आपको बता दूँ, इस क्वेश्चन में एनालिसिस करने के लिए जो बड़ा वाला डेटा है ना उसको बस प्लस मैन की स्पीड मान लेना, जो छोटा वाला डेटा है उसको बस की स्पीड मान लेना। तो आप देख लीजिए, 10 और 8 का रेशियो आपका क्या बनने वाला है? 5 4 5, बस प्लस मैन की स्पीड, 4 बस की स्पीड, माइनस कर दीजिए आदमी की स्पीड मिलेगी 1, छोटा वाला बस की स्पीड है, तो 4 यूनिट की वैल्यू 20, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 5 हो गई। ठीक है, आइए इसी वैरायटी पर एक क्वेश्चन हम लोग और उठाते हैं और उसको डिस्कस करने का कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है आप सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, नेक्स्ट प्रॉब्लम आपसे ये स्टेट करता है, कह रहा है कि जो बसें हैं वो बस टर्मिनल से 15-15 मिनट के अंतराल पर मूव कर रही हैं। बसेस मीट्स फ्रॉम बस टर्मिनल एट द टाइम इंटरवल ऑफ 15 मिनट एंड स्पीड ऑफ द बसेस इज 45 किलोमीटर पर आवर। क्या कह रहा है? एक आदमी बस टर्मिनल की विपरीत दिशा में आ रहा है एंड ही नीड्स द बसेस एट द टाइम इंटरवल ऑफ 10 मिनट। वो 10 मिनट के अंतराल पर बसों को क्या करता बच्चों? चाहता है। तो आपसे क्या कह रहा है कि आप ये बताइए कि वो जो बस के विपरीत दिशा में आदमी आ रहा है उसकी चाल क्या होगी? एक बार मैं फिर आपको रुक करके पढ़ना सिखाता हूँ इस क्वेश्चन को पढ़ना कैसे है। बस टर्मिनल से बसें 15-15 मिनट के अंतराल पर चल रही हैं। इसका मतलब 15 मिनट में एक डिस्टेंस को तय किया अकेले किसने? बस ने। अब एक आदमी क्या करता है, अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है और वो बसों को कितने मिनट के अंतराल पर चाहता है? 10 मिनट के अंतराल पर चाहता है। पिछले वाले क्वेश्चन में भी हम लोगों ने डिस्कस किया कि जिस दूरी को अकेली बस ने तय किया 15 मिनट में, अगर बस और आदमी मिल करके चलेंगे ना, तो जाहिर सी बात है वो दूरी कम टाइम में तय की जाएगी। और आप देखिए वो जो दूरी है वो कितने समय में तय की जा रही है। क्वेश्चन कह रहा है कि जिस दूरी को आप पहले 15 मिनट में तय करते थे, अब वो दूरी आपकी तय होनी चाहिए कितने मिनट में? 10 मिनट में तय होनी चाहिए। तो कहता है आपसे क्या कि उस आदमी की जो चाल होनी चाहिए या उस आदमी की जो स्पीड होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? चलो बच्चों डील करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर मैंने लिख दिया बस प्लस मैन एंड रेशियो लगाया, यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया? बस। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जिस दूरी को बस प्लस मैन के द्वारा तय किया जाएगा कितने मिनट में? 10 मिनट में, उसी दूरी को अकेली बस तय करती है कितने मिनट में बच्चों? 15 मिनट या 15 मिनट में। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि टाइमिंग का रेशियो क्या बनने वाला है, तो आप बोलेंगे टाइमिंग का रेशियो बनने वाला है 2:3 या 2:3। टाइम का रेशियो आपका क्या बनने वाला है? 2:3 या 2:3। अगर टाइम का रेशियो है 2:3, तो आप बताइए स्पीड का रेशियो आपका क्या बन जाएगा? 3:2। इसका मतलब यहाँ से ये क्लियर हुआ कि बस प्लस मैन की स्पीड है अगर आपकी 3:3, तो जो बस की स्पीड आएगी वो कितनी आ जाएगी? 2:3। यहाँ से बच्चों हम लोग बोल सकते हैं कि जो आदमी की स्पीड आने वाली है वो कितनी रेशियो आने वाली है? 1:3 आने वाली है। अब आपके क्वेश्चन में कुछ तो गिवन है, क्या गिवन है पढ़ लीजिए। कहता है स्पीड ऑफ बसेस इज 45 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब बच्चों ये जो 2 रेशियो की वैल्यू है ना, ये 45 किलोमीटर पर आवर के क्या है? बराबर है। अब 2 रेशियो की वैल्यू 45 किलोमीटर पर आवर, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 22.5 किलोमीटर पर आवर। और हमें क्या करना था? आदमी की चाल निकालनी है, और आप देख रहे हैं आदमी की चाल है 1 रेशियो, और 1 रेशियो का मतलब कितना हो गया? 22.5 किलोमीटर पर आवर या 22 1/2 किलोमीटर पर आवर। बच्चों ये आपके प्रश्न का क्या हो गया? जवाब हुआ। दिस विल बी आंसर ऑफ योर क्वेश्चन, या ये आपके प्रश्न का जवाब हो गया। ठीक है, इन 2 क्वेश्चन के माध्यम से आपने क्या सीखा कि अगर कभी भी बस टर्मिनल से बसें निकल रही हैं और आपको कुछ अंतराल पर बोल रहा है वो निकल रही हैं, और कोई आदमी अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है जो बसों को जल्दी चाहता है, और आपसे कहा जाए उस आदमी की स्पीड क्या होगी, तो आप इस वाले कॉन्सेप्ट को लगा करके निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी वाले कॉन्सेप्ट में मैं आपको एक और क्वेश्चन बताना चाह रहा हूँ, जो साउंड
चलाया जाता है, गोली चलाया जाता है और गोली की साउंड आती है, उस साउंड के बारे में एक क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। अगर ये वाला कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया ना, तो सेम प्रोसीजर पर आपका ये वाला भी क्वेश्चन बनने वाला है। क्वेश्चन क्या है, आप इसको थोड़ा सा सुनिए आराम से और समझने का कोशिश करिए कि सिचुएशन आपकी क्या बन रही है। क्वेश्चन ये कहता है कि एक कोई जगह है, उस स्थान से 13 मिनट के अंतराल पर गोलियाँ चलाई जाती हैं, मीन्स बुलेट्स फायर्ड एट द टाइम इंटरवल ऑफ 13 मिनट फ्रॉम ए सर्टेन प्लेस। एक स्थान है, वहां से 13-13 मिनट के अंतराल पर क्या क्या की जाती है, गोलियों को चलाया जाता है। ठीक है, एक आदमी जहां पे गोली चल रहा है उसी के अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, अपोजिट डायरेक्शन मींस उसी डायरेक्शन में आ रहा है। ठीक है, अ मैन इज कमिंग टुवर्ड्स दिस पॉइंट, या एक आदमी इसी वाले जगह की तरफ आ रहा है और उसे एक गोली के चलने के बाद दूसरी गोली 12:30 मिनट के अंतराल पर सुनाई पड़ती है। कहता है अगर वायु में ध्वनि की चाल 330 मीटर प्रति सेकंड है, तो आपसे ये पूछना चाह रहा है कि वो जो आदमी की चाल होगी वो क्या होगी। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि 13-13 मिनट के अंतराल पर एक स्थान से गोलियां चलाई जाती हैं, एक आदमी जो इसी स्थान की तरफ आ रहा है, चाहे वो किसी गाड़ी में बैठ करके आ रहा है, ट्रेन में बैठ करके आ रहा है या पैदल आ रहा है, इस स्थान की तरफ आ रहा है, उसको एक गोली के बाद दूसरी गोली की जो आवाज़ है वो 12:30 मिनट के अंतराल पर सुनाई पड़ता है। आपसे क्वेश्चन ये चाहता है, जानना चाहता है कि उस आदमी की जो चाल होगी वो क्या होगी। आप ऐसे देखो इस क्वेश्चन को, अगर थोड़ा सा तरीके से समझना चाहें, पहले ये जो कंप्लीट डिस्टेंस है ये कितने मिनट में तय किया जाता है, 13 मिनट में। क्यों भाई, अरे यहाँ से चलाया गया और साउंड को पहुँचने में 13 मिनट लगा, तो ये जो आदमी है वो 13-13 मिनट के अंतराल पर गोलियों की आवाज़ को सुन रहा है। जब वो इधर आने लगा तो क्वेश्चन क्या कहता है, वो गोलियों की आवाज़ को 12:30 मिनट में क्या करने लगा, सुनने लगा। तो आप ऐसे बोल सकते हैं ना कि ये देखो आधे मिनट में साउंड जितना तय करेगा उतनी दूरी को 12:30 मिनट में तय करेगा, कौन, आदमी। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, यहाँ पर मैंने लिख दिया मैन और यहाँ पर मैंने लिख दिया साउंड, तो ऐसे बोल सकता हूँ जिस दूरी को आदमी ने तय किया 12:30 मिनट में, उसी दूरी को साउंड ने तय किया कितने मिनट में, आधे मिनट में। अगर आप इसका रेशियो ले लें बच्चे, तो आपको क्या मिलने वाला है, इधर होगा आपका 25/2 और इधर आपका क्या होगा, 1/2। ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने डिटेल करके आपको दिखाया था। इसका मतलब आप बोलेंगे कि टाइम का रेशियो अगर मैं पूछूं, आदमी को लगेगा 25 मिनट समय तो साउंड को लगेगा कितना मिनट समय, 1 मिनट समय। किसको, एक निश्चित दूरी को तय करने में अगर आदमी को लग रहा है 25 मिनट समय, तो उसी दूरी को तय करने में साउंड को कितना मिनट समय लगेगा, 1 मिनट। और अगर मैं आपसे पूछूं स्पीड का रेशियो क्या बनेगा, तो आप बताएंगे ये रेशियो मस्ट बी इक्वल टू 25। इसका मतलब अगर मैन की स्पीड है 1:1, तो आदमी साउंड जो है उस साउंड की स्पीड कितनी होगी, 25:1। आपके क्वेश्चन में बच्चों ये जो साउंड की स्पीड है ये 330 मीटर पर सेकंड के बराबर दिया गया है। ठीक है, और हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें आदमी की स्पीड को कैलकुलेट करना है। हम बोल सकते हैं कि आदमी की स्पीड होगी 330/25, क्या भाई, मीटर पर सेकंड। लेकिन अगर आपको ये जो आंसर है वो किलोमीटर पर आवर में पूछ रहा है, तो आप क्या करेंगे, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 18/5 से। या अगर आपसे पूछा जाए कि आदमी की स्पीड क्या होगी, तो 330/25 और इंटू 18/5 क्या, किलोमीटर पर आवर। ये कैलकुलेशन आप करिए, इस कैलकुलेशन के बाद में आपको किसकी स्पीड मिल जाएगी, मैन की स्पीड मिल जाएगी, किसमें, किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बताऊं, जनरली जिन बच्चों का थोड़ा बेसिक्स कमज़ोर होता है उनको ये कन्वर्जन में बड़ी दिक्कत होती है। वो बोलते हैं भाई मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना हो या किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना हो, तो जनरली बड़ा कन्फ्यूज़न होता है, बड़ी दिक्कत होती है, उसको कैसे हैंडल किया जाए। बड़ा सीधा सा रास्ता आपको बता रहा हूँ। देखो बच्चे, जब कभी भी ऐसा हो जाए ना कि मीटर पर सेकंड से आपको किलोमीटर पर आवर में जाना हो, तो देखो यार मीटर क्या है, छोटा डेटा है, और किलोमीटर क्या है, बड़ा डेटा है। इसका मतलब छोटे डेटा से आपको बड़े डेटा की तरफ जाना है, तो बच्चा कंफ्यूज 5/18 और 18/5 में ही होता है। उसे ये तो पता होता है कि कुछ होगा भाई 5/18 या 18/5, वो कन्फ्यूज़न दूर कर लीजिए। जब आप बड़े डेटा में मूव करें तो बड़ी वैल्यू को ऊपर रख दीजिए और छोटी वैल्यू को नीचे कर लीजिए। और अगर ऐसा करना हो कि किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना हो मीटर पर सेकंड में, तो आप देखिए किलोमीटर बड़ा डेटा है, मीटर क्या है, छोटा डेटा। छोटे डेटा में आप जा रहे हैं,
तो छोटी वैल्यू को ऊपर करिए, बड़ी वैल्यू को नीचे कर दीजिए, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, दिस मस्ट बी इक्वल टू 5/18 या ये 5/18 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना था, इसलिए मैंने इसको मल्टीप्लाई बाई क्या कर दिया बच्चों, 18/5 या 18/5। ठीक है, चलिए इसके बाद में हम लोग एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अगले दो क्वेश्चन बच्चे काफी इंपॉर्टेंट हैं, काफी इंटरेस्टिंग भी हैं। एकेडमिक में जब आप उन्हें डील करते थे तो आपको काफी परेशानी होती थी, आप कैलकुलेशन करते हुए करीब पहुंचते थे और आपको लगता था कि आपका आंसर सही होने वाला है, लेकिन गलत हो जाता था। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, मैं आपके साथ पढ़ रहा हूं। क्वेश्चन ये कहता है, एक बंदर 60 मीटर ऊंचे ग्रीस लगे हुए खंभे पर चढ़ने का प्रयास करता है। अ मंकी ट्राई टू क्लाइम ऑन ए पोल ऑफ द हाइट 60 मीटर। पहले मिनट में वह 6 मीटर चढ़ जाता है। ही क्लाइम 6 मीटर इन फर्स्ट मिनट तथा दूसरे मिनट में वह 3 मीटर फिसल जाता है एंड स्लिप्ड 3 मीटर इन नेक्स्ट मिनट। तो कहता क्या है, कितने समय में वो बंदर ग्रीस लगे हुए खंभे पर चढ़ जाएगा, इन व्हाट टाइम पीरियड ही विल बी रीच्ड ऑन द टॉप ऑफ द पोल, या कितने समय में वो बंदर ग्रीस लगे हुए खंभे पर चढ़ जाएगा। ठीक है, क्या कह रहा है, एक बंदर है वो ग्रीस लगे हुए खंभे पर चढ़ने का प्रयास करता है और बच्चों पहले मिनट में वो कितने मीटर चढ़ जाता है, 6 मीटर चढ़ जाता है। ठीक है, और दूसरे मिनट में उसके साथ क्या सिचुएशन होती है, सेकंड मिनट में उसके साथ क्या सिचुएशन होती है, दूसरे मिनट में वो 3 मीटर स्लिप कर जाता है या 3 मीटर फिसल जाता है। अच्छा, अगर मैं आपसे एक बात पूछूं बड़ी सिंपल वे में कि 2 मिनट में उस बंदर को आउटपुट क्या मिला, तो आप बोलोगे कि पहले मिनट में वो 6 मीटर चढ़ा और जैसे दूसरा मिनट शुरू हुआ तुरंत उसकी छलांग पूरी हुई, मींस अब वो ग्रीस लगने के कारण स्लिप किया, तो कितना मीटर स्लिप कर गया, 3 मीटर। इसका मतलब अगर मैं पूछूं 2 मिनट में उसको आउटपुट क्या मिला, तो आप बोलोगे कि 2 मिनट में वो बंदर 3 मीटर ऊपर ग्रीस लगे हुए खंभे पर चढ़ गया। ठीक है, आपको चढ़वाना कितने मीटर है, 60 मीटर। यहां पर जनरली बच्चे गलती क्या करते हैं पता है, इसको 60 बनाने के लिए 20 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसको भी 20 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 40 मिनट, और आंसर गलत हो जाता है। क्यों गलत होता है, उसके पीछे रीजन क्या है, आप इसको आराम से समझिए। अच्छा बच्चे एक बात बताओ, बंदर के अंदर 1 मिनट में कितने मीटर जंप मारने की क्षमता है, 6 मीटर। ये तो ग्रीस लगा हुआ है खंभा, इस वजह से वो फिसल जा रहा है ना, लेकिन क्या उसकी ये वाली एनर्जी कभी रंग ही नहीं लाएगी, लाएगी भाई, कब, लास्ट में। क्यों लास्ट में रंग लाएगी, अरे वो 54 मीटर तक तो फिसलता हुआ जाएगा, लेकिन 54 के बाद वाली जो छलांग मारेगा ना, वो 54+6 की छलांग मारेगा और 54 के बाद अगर वो 6 की छलांग मारेगा तो कितने मीटर चला जाएगा, 60 मीटर। इसका मतलब बच्चे इस टाइप के क्वेश्चन को डील करने के लिए ना, सबसे पहले आप देख लीजिए वो बंदर 1 मिनट में कितने मीटर जा सकता है, 6 मीटर। जितना जा सकता है उसको टोटल डिस्टेंस में से घटा दीजिए, तो 60 में से अगर आप 6 को माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 54। तो 54 मीटर तक वो स्लिप होता हुआ जाएगा, फिसलता हुआ जाएगा, लेकिन उसके बाद की जो छलांग मारेगा ना, उसमें वो ग्रीस लगे हुए खंभे पर क्या करेगा, चढ़ जाएगा। और आप देख रहे हैं कि 2 मिनट में या 3 मीटर फिसलता हुआ जा रहा है, इसका मतलब इस 3 को आपको क्या बनाना है, बोलो, 54। 3 को क्या बनाना है, 54। 3 को 54 बनाने के लिए आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 18 से। और अगर आपको, आपने इसको 18 से मल्टीप्लाई किया, यू शुड मल्टीप्लाई इट बाई 18, आपको इसको भी 18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और बच्चों अगर आप इसको 18 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 36 मिनट। इसका मतलब 36 मिनट में ये बंदर 54 मीटर ऊंचे ग्रीस लगे हुए खंभे पर चढ़ गया है। बताइए क्या उसका सफर पूरा हो गया, नहीं भाई, अभी उसे कितना मीटर और चढ़ना है, बताइए जी, 6 मीटर और चढ़ना है। मींस अगर वो 6 मीटर और चढ़ जाए ना, तो वो 6 मीटर और चढ़ने का मतलब 60 मीटर का सफर तय कर लेगा। और अब बताइए ये जो 6 मीटर की दूरी है, अगर मैं पूछूं इसको तय करने में कितना समय लगेगा, तो अब 60 मीटर ग्रीस लगे हुए खंभे के वो टॉप पर पहुंचने वाला है, और बच्चों अगर वो टॉप पे पहुंचेगा तो अब स्लिप होने का कोई गुंजाइश नहीं है, और उस बंदर के अंदर पोटेंशियल है कि वो 1 मिनट में 6 मीटर जा सकता है। तो इस 6 मीटर की दूरी को तय करने में उसे कितना समय लगेगा, 1 मिनट या 1 मिनट। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये 60 मीटर ग्रीस लगे हुए खंभे पर वो कितने देर में चढ़ जाएगा, तो 36+1 दैट मस्ट इक्वल टू हाउ मच, 37 मिनट। ठीक है, एक बार बच्चे मैं दोबारा से इस क्वेश्चन को रिकॉल कर दे रहा हूँ, आप आराम से समझ लीजिए। कह रहा है कि बंदर पहले मिनट में 6 मीटर चढ़ता है और दूसरे मिनट में वो 3 मीटर फिसल जाता है। आप खुद सोचिए, पहले मिनट में वो 6 मीटर चढ़ा और दूसरे मिनट में 3 मीटर फिसल गया, इसका मतलब 2 मिनट का उसको आउटपुट क्या मिला, 2 मिनट में वो बंदर 3 मीटर ग्रीस लगे हुए खंभे पर चढ़ गया।
अब आप बताइए आपको चढ़वाना कितने मीटर है, 60 मीटर। हमने बताया था गलती की पॉसिबिलिटी यही होती है। यहाँ पर आपको सोचना चाहिए कि उस बंदर के अंदर एक मिनट में 6 मीटर चढ़ जाने की कैपेसिटी है। इसका मतलब ये हुआ कि वो बंदर 54 मीटर तक तो फिसलता हुआ जाएगा, लेकिन जब 54 के बाद वाली छलांग मारेगा ना, तो वो ग्रीस लगे हुए खंभे पर क्या करेगा, पूरी तरीके से पहुंच जाएगा कहां पर, टॉप पर। तो आपको फिसलते हुए चढ़वाना है कितने मीटर, 54 मीटर। तो 3 1 2 बी 54, 3 को 54 बनाना है, मल्टीप्लाई बाई क्या करेंगे, 18। इसलिए आप इसको मल्टीप्लाई बाई 18 करेंगे, कितना हो गया, 36 मिनट। क्यों, रेशियो है भाई, अनुपात। एक टर्म को अगर आपने मल्टीप्लाई किया और दूसरे को नहीं किया तो पूरा बैलेंस गड़बड़ हो जाएगा। अभी आपको 6 मीटर और चढ़ाना है, प्लस 6 मैंने किया, इस 6 मीटर को चढ़ने में उसको 1 मिनट समय लगेगा, 1 ऐड कर दीजिए, कितना हो गया, 37। 37 मिनट में वो बंदर 60 मीटर ऊंचे ग्रीस लगे हुए खंभे पर क्या करेगा, चढ़ जाएगा। इस क्वेश्चन के माध्यम से आप कंसेप्ट सीखिए, और जो अगला क्वेश्चन होगा ना, वो इसका एक टेक्निकल प्रॉब्लम होगा, जहां पर समय मिनट और सेकंड दोनों में आ रहा होता है। मींस यहां पर आपने देखा 3 और 54 सीधा टेबल में आ रहा है, 3 के 54, लेकिन अगले वाले क्वेश्चन में ऐसी पॉसिबिलिटी होगी जब टेबल में चीजें नहीं आएंगी, और वहां पर अगर आपको चीजों को मैनेज करना होगा तो आप कैसे मैनेज करेंगे। इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन होगा ये वाला, और इस वाले क्वेश्चन में इस लेवल के क्वेश्चन की हाई टेक्निकलिटी आपको समझने को मिल जाएगा। तो आप आइए उस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, और ये क्वेश्चन क्या है आपके साथ एक बार मैं रीडिंग मारता हूं, आप भी मेरे साथ पढ़िए क्वेश्चन को और देखिए सिचुएशन आपकी क्या बन रही है। क्वेश्चन आपसे कहता है बच्चों, एक बंदर है, वो 57 मीटर ऊंचे ग्रीस लगे हुए खंभे पर चढ़ने का प्रयास करता है। अ मंकी ट्राई टू क्लाइम ऑन ए पोल ऑफ द हाइट 57 मीटर। एक बंदर 57 मीटर ऊंचे ग्रीस लगे हुए खंभे पर चढ़ने का प्रयास करता है। वो कह रहा है कि पहले मिनट में वह 10 मीटर चढ़ जाता है और दूसरे मिनट में वह 2 मीटर फिसल जाता है। ही क्लाइम्स 10 मीटर इन फर्स्ट मिनट एंड स्लिप्ड 2 मीटर इन नेक्स्ट मिनट। कहता है सो इन व्हाट टाइम पीरियड ही विल बी क्लाइम ऑन द पोल अंडर दिस प्रोसीजर, या अगर ये वाली स्थिति लगातार चलती रहे तो वो कितने समय में खंभे के शीर्ष पर पहुंच जाएगा, या ही विल बी रीच्ड एट द टॉप ऑफ द पोल इन व्हाट टाइम पीरियड। चलो बच्चे एक बार फिर इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं, बेसिक से आप लोग क्लियर करिए, आराम से समझिए और देखिए, जहां समझ में ना आए वहां पर पॉज करिए, दोबारा से देखिए। बंदर पहले मिनट में कितने मीटर चढ़ रहा है बताइए, बंदर पहले मिनट में 10 मीटर चढ़ रहा है, और सेकंड मिनट में उसके साथ क्या स्थिति हो रही है, सेकंड मिनट में बंदर 2 मीटर स्लिप कर जा रहा है, फिसल जा रहा है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 मिनट का एक्चुअल में आउटपुट क्या मिला, अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 मिनट में एक्चुअल में आउटपुट क्या मिला, तो आप बोलेंगे 2 मिनट में यह बंदर 8 मीटर चढ़ गया। 2 मिनट में यह बंदर कितने मीटर चढ़ गया, 8 मीटर चढ़ गया। अच्छा आप बताइए ना मुझे कि क्वेश्चन में यह बंदर 1 मिनट में कितने मीटर चढ़ सकता है, 10 मीटर चढ़ सकता है। तो सबसे पहला काम आपका क्या होगा, 57 में से आप 10 माइनस कर दीजिए। तो बच्चे अगर 57 में से आप 10 माइनस करोगे कितना बचेगा, 47। इसका मतलब 47 मीटर तक यह बंदर फिसलता हुआ जाएगा, लेकिन उसके बाद जब जंप मारेगा ना तो खंभे के शीर्ष पर पहुंच जाएगा। लेकिन बच्चों सबसे बड़ी चुनौती क्या है, 8 के टेबल में 47 तो आ ही नहीं रहा है। तो अब आप क्या करें, 8 के टेबल में कोई ऐसा नंबर देखिए जो बिल्कुल 47 के आसपास हो, तो क्या होता है, 48। 86 या क्या होता है, 48। इसका मतलब इस बंदर को मैं 48 मीटर तक फिसलवाऊंगा, इस बंदर को मैं 48 मीटर तक फिसलवाऊंगा। तो बच्चे 8 को 48 बनाने के लिए मल्टीप्लाई बाई क्या करेंगे आप, 6। और अगर आपने इसको 6 से मल्टीप्लाई किया, यू विल हैव टू मल्टीप्लाई इट आल्सो बाई 6। आप इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ गया, 12 मिनट। तो 12 मिनट में यह बंदर कितने मीटर चढ़ गया भाई, 12 मिनट में यह बंदर 48 मीटर ऊंचे ग्रीस लगे हुए खंभे पर चढ़ गया। अब आप एक बात बताइए, अभी कितने मीटर का सफर बचा हुआ है, अभी 9 मीटर का सफर बचा हुआ है। किसी तरीके से बंदर ये 9 मीटर की दूरी अगर तय कर लेता ना, तो 48 और 9 को अगर आप जोड़ते तो आपको कितना मीटर मिल जाता, 57 मीटर का सफर तय हो जाता। मींस बस सबसे बड़ी चुनौती ये है कि किसी तरीके से मेरे को ये पता चल जाए कि ये जो 9 मीटर की दूरी है, इस 9 मीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लगा। मैं आपके साथ एक बड़ा छोटा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाहता हूँ, क्या समझिए। अच्छा बच्चे मान लो आप 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बाइक चलाते हो, ठीक है। लेट अस सपोज यू कैन ड्राइव बाइक बाय द स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर एंड योर होम इज 25 किलोमीटर अवे फ्रॉम दिस प्लेस। आप 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बाइक चलाते हैं और आपका घर यहाँ से 25 किलोमीटर की दूरी पर है। मैं आपसे बोलूँ कि कोई ट्रैफिक नहीं है बीच में और आपको घर जा कर के रुक जाना है,
तो आप कितना देर बाइक चलाओगे भाई? एक घंटे में 50 किलोमीटर जा सकते हो, तो आप खुद सोचिए ना, 25 किलोमीटर जाना है तो कितना देर लगेगा? आधे घंटे। आधे घंटे में मैंने बोला घर जा करके आपको रुक जाना है, क्यों रुक जाना है? अरे बंदर को शीर्ष पर जा करके रुक जाना है, इधर उधर करेगा तो वहां से फिसलेगा तो बड़ा बुरा हाल होगा। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि 25 किलोमीटर बच्चे अगर आपको जाना है तो आपको कितना समय लगने वाला है? आधे घंटे समय लगने वाला है या 30 मिनट का टाइम लगने वाला है? क्यों 30 मिनट का टाइम लगने वाला है? क्योंकि आपकी स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है। चलिए इसी बात का यूज करते हैं अपने क्वेश्चन में। इस 9 मीटर का जो सफर है उसे जब तय किया जाएगा तो बंदर की स्पीड क्या होगी? 1 मिनट में 10 मीटर चढ़ जाने वाली स्पीड होगी। इसका मतलब आप ऐसे बोल सकते हैं कि बंदर को 10 मीटर चढ़ने में 61 मिनट का समय लगता है, 1 मिनट, या बोल सकते हैं 60 सेकंड का समय लगता है। इसका मतलब अगर बंदर को 1 मीटर चढ़ना हो तो समय लगेगा बच्चों, अगर बंदर को 1 मीटर चढ़ना हो तो उसे 6 सेकंड का समय लगेगा। आप बताइए उस बंदर को कितना मीटर चढ़ना है? उस बंदर को चढ़ना है 9 मीटर, तो 9 मीटर चढ़ने में कितना समय लग जाएगा? 54 सेकंड या 54 सेकंड। तो आप बोलेंगे ना ये 9 मीटर की दूरी बंदर ने कितने देर में तय किया? 54 सेकंड में तय किया। इसका मतलब अगर मैं पूछूं बंदर को शीर्ष तक जाने में कुल समय कितना लगा, तो आप बोलेंगे 12 मिनट 54 सेकंड्स या 12 मिनट 54 सेकंड में बंदर ग्रीस लगे हुए खंभे पर चढ़ गया। आपको लास्ट में ये एक टेक्निकल बात है, इसको ध्यान में रखना होगा कि आपको 9 मीटर का ही सफर अब तय करना है, और उस 9 मीटर के सफर को तय करने में बंदर के साथ जो एनर्जी है वो ये वाली है। कौन सी एनर्जी है? कि बंदर 1 मीटर को चढ़ने में, 1 मीटर नहीं बल्कि 10 मीटर को चढ़ने में 1 मिनट, 1 मिनट यानी 60 सेकंड का समय लेता है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रोसीजर पर अगर आप काम करेंगे तो ये जो बंदर के चढ़ने वाले क्वेश्चंस हैं इनको आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। और जैसा आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको कम से कम इतना आइडिया तो जरूर है कि इस वैरायटी के क्वेश्चन, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम आप दीजिए, SSC CGL Tier 1 दीजिए, Tier 2 दीजिए, CDS का एग्जाम दीजिए, या और कोई भी आप 10+2 लेवल का एग्जाम दीजिए, तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन स्टेट PCS दीजिए मिलते रहते हैं। ठीक है, तो आप इस पूरे पार्ट को बढ़िया से देखिए, 2-3 बार देखिए, उन पर वर्कआउट करिए, कहीं आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप रिवाइंड करके देखिए। ठीक है, तो इस वाले पार्ट में सिर्फ इतना ही। ऑल द बेस्ट, थैंक्स अ लॉट।